हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी इस सेशन में मैं आपके लिए स्लीप शीर्षक जो लेख है, जो क्लास 8 के रेडियंस बुक में चलती है, वह लेकर आपके लिए आया हूँ। और मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने के बाद इसकी हिंदी आपको बताता चलूँगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ स्लीप। स्लीप मतलब नींद। जब हम सोते हैं तो स्लीप का अर्थ होता है नींद। Nobody knows why we sleep। कोई नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं। But we all need to। लेकिन हम सबको सोने की ज़रूरत है। Sleep helps our body and brain develop and grow। तो नींद से हमारे दिमाग का विकास होता है और हमारा शरीर भी, उसका भी विकास होता है। मतलब कि नींद से हमारे शरीर और हमारे दिमाग का विकास होता है। Our body needs sleep to stay healthy। हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए। And fight sickness, और बीमारियों से लड़ने के लिए हमें नींद की ज़रूरत होती है। During sleep, सोने के समय Our muscles, bones and skin can grow। तो सोते समय हमारी जो मांसपेशियां हैं या हमारी हड्डियां हैं या हमारी चमड़ी जो है वो सब बढ़ती हैं, मतलब उनमें विकास होता है सोते समय। And helps our brain to remember what we learn। और हमारे दिमाग को मदद मिलती है अपने दिमाग में रखने के लिए उस बात को जो हमने सीखा है। It also helps brain to pay attention and concentrate। इससे दिमाग को भी, मतलब मस्तिष्क को भी मदद मिलती है ध्यान लगाने में और किसी बात पर ध्यान केंद्रित करने में हमें मदद मिलती है नींद से। There are no rules about how much sleep is necessary। कोई नियम नहीं है इसलिए कि कितनी नींद आवश्यक है, मतलब कितना हमें सोना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं है। But an average adult sleeps for 7 hours and 20 minutes। लेकिन एक औसत व्यक्ति, एक औसत वयस्क जो होता है वह 7 घंटे और 20 मिनट तक सोता है। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep। तो 8% जो वयस्क होते हैं वो 5 घंटे या उससे भी कम सोते हैं। And 4% want 10 hours or more। और 4% लोग ऐसे होते हैं जो 10 घंटे या उससे अधिक सोते हैं। Children at the age of 5 to 12 years, बच्चे जो होते हैं, जो 5 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं, need 10 to 11 hours of sleep each night। उन्हें 10 से 11 घंटे की नींद हर रात में उनके लिए ज़रूरी होती है। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 hours। जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज, उन्हें 14 से 18 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। वेर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड वेन यंग। तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको, जो बच्चे होते हैं, उनसे थोड़े कम नींद की ज़रूरत होती है। दे ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। और दिन में भी वे अक्सर कुछ समय के लिए सो लेते हैं। नैप का मतलब होता है हल्की झपकी। तो कुछ समय के लिए वे भी दिन में सो लेते हैं। देर आर 5 stages इन 1 sleep cycle। तो नींद जो आती है उसका साइकिल होता है, मतलब हम जगते हैं, सोते हैं, जगते हैं, सोते हैं, तो उसकी भी एक साइकिल होती है, क्रम होता है। और उसके 5 stages होते हैं। तो उसके 5 stages के बारे में आगे, ईच स्लीप साइकिल, मतलब हर स्लीप साइकिल, मतलब एक क्रम में एक बार जो नींद आती है, टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। तो वो 1.5 घंटे का होता है एक साइकिल, मतलब 1.5 घंटे का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 times। और ये नींद का जो साइकिल है, जो क्रम है, ये जो होता है वह रात में 5 या 6 बार रिपीट होता है, मतलब दोहराया जाता है। ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2, पहले और दूसरे स्टेज में,
यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, पहले आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं. बट आई एम नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन आपको अभी तक गहरी नींद नहीं आई है. ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 और 4, तो तीसरे और चौथे स्टेज में क्या होता है, यू आर इन अ डीप स्लीप, मतलब तीसरे और चौथे स्टेज में जब आप आते हैं तो आपको गहरी नींद आती है. योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, मतलब आपका सांस लेना और आपके हृदय की गति जो होती है वह धीमी पड़ जाती है. एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपके शरीर में कोई गति नहीं रहती है. ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज, मतलब पांचवे स्टेज में, योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, तो आपका मस्तिष्क जो होता है पांचवे स्टेज में वह सक्रिय हो जाता है और आप सपने देखते हैं. यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM, मतलब जब आप सोते हैं तो ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप, मतलब सोने के स्टेज में क्या होता है, एक स्टेज होता है जिसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, मतलब तेजी से आंखों का चलना उस समय होता है. और REM, ड्यूरिंग द REM, मतलब ऐसे स्टेज में योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, मतलब आपकी पलकों के नीचे आपकी आंखें बहुत तेजी से झपकती हैं. नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ 2 alternating phases, मतलब सामान्य जो नींद होती है उसमें दो फेजेस आते हैं, दो पीरियड्स आते हैं और दो समय आते हैं, फेजेस पीरियड्स आप जो भी कह लें, और वो एक के बाद एक आते हैं. Phase 1 involves no dreaming, मतलब पहले फेज में या पहले पीरियड में कोई सपना नहीं होता है. Usually it occurs in the early part of the night, और अक्सर यह रात के पहले वाले पीरियड में, पहले वाले हिस्से में होता है, जब आप सोते हैं उसके पहले वाले हिस्से में यह अक्सर होता है. Phase 2 involves dreaming, और दूसरे फेज में सपने आते हैं. It occurs mostly in the later part of the night, और यह अक्सर रात में बाद वाले पार्ट में आता है, बाद वाले हिस्से में, जब आप काफ़ी गहरी नींद में सोए होते हैं तब यह आता है. For varying periods of time, तो अलग अलग समय के लिए यह आता है. If you wake up during this phase, अगर इस फेज में आपकी नींद टूट जाती है, आप जग जाते हैं, you will almost certainly remember your dreams, तो जब आप जग जाते हैं तो यह निश्चित है कि आपको आपके सपने याद रहते हैं. When we sleep, the bodily functions slow down. जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की प्रक्रियाएं, जो functions हैं वो धीमी पड़ जाती हैं. Body temperature falls, और शरीर का तापक्रम भी गिर जाता है. This is because our body keeps to a regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed times. यह इस कारण से होता है कि हमारा शरीर, our body keeps to a regular 24-hour cycle, मतलब 24 घंटे का जो cycle चलता रहता है या क्रम जो चलता रहता है, during which, और इस क्रम में क्या होता है कि शरीर का तापक्रम बढ़ता है और फिर घटता भी है, और निश्चित समय पर यह घटता बढ़ता रहता है. Normally body temperature is lowest, सामान्यतः शरीर का तापक्रम सबसे कम होता है in the middle of the night, तो आधी रात में शरीर का तापक्रम सबसे कम रहता है. And the highest in the afternoon, और दोपहर में शरीर का तापक्रम सबसे अधिक रहता है. When you get enough sleep, you can pay attention better in school, जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आप अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में अच्छी तरह ध्यान दे पाते हैं. Be creative, आप रचनात्मक भी होते हैं. And think of new ideas, और नए विचार आपके दिमाग में आते हैं. Fight sickness, और बीमारी जो होती है उससे भी आप लड़ते हैं. और so you stay healthy, और इस तरह आप स्वस्थ रहते हैं. Be in a good mood, और आपका मूड भी अच्छा रहता है, मतलब आप खुश रहते हैं. And get along well with friends and family, और अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ आपकी अच्छी निपति है और आप खुश रहते हैं. If you don't get enough sleep, यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं,
यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप भूल सकते हैं जो आप सीखते हैं. हैव ट्रबल मेकिंग decisions, आपको निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है. बी इन अ बैड मूड, और आप अच्छे मूड में नहीं होते, आपका मूड खराब हो जाता है. और हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, जब आप गेम्स भी खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी होती है. हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और जो आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप जो कहते हैं या जो आपके शिक्षक कहते हैं, उसको सुनने में और समझने में भी आपको दिक्कत होती है. एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स, और आप अपना धैर्य खो देते हैं अपने दोस्तों के साथ. विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब आप अपने दोस्तों, अपने भाइयों और अपनी बहनों से बात करते समय या उनके साथ जो आपका व्यवहार होता है, उस समय भी आप अपना धैर्य खो देते हैं. Sometimes everyone has difficulty in sleeping. कभी कभी सबों को सोने में दिक्कत होती है. But if you miss a couple of hours of sleep, लेकिन अगर कुछ घंटे की नींद अगर आप खो देते हैं, no harm is done, तो उससे कोई हानि नहीं होती है. You may feel tired, आप थका महसूस कर सकते हैं. And irritable the next day, और अगले दिन आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है. But the body soon makes up for the loss, लेकिन जो हानि होती है उसको जो आपका शरीर है उसकी भरपाई कर लेता है. However, if you try to stay awake night after night, खैर जब आप कोशिश करते हैं रात भर जगना, और एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, तो रातों रात भर यदि आप जगे रहते हैं, you soon begin to behave strangely, मतलब आपका व्यवहार भी अजीब सा होने लगता है, मतलब आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, और जिसके कारण आपका व्यवहार भी बदलने लगता है और अजीब ढंग से आपका व्यवहार होने लगता है. यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, आपकी एकाग्रता जो है वह ख़त्म हो जाती है. एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर, और आप निर्णय नहीं ले पाते हैं. You begin to imagine strange things, आप अजीब बातों की कल्पना करने लगते हैं. And your behavior becomes deranged, और आपका व्यवहार भी जो है ना वह बहुत अजीब सा हो जाता है, आप सामान्य नहीं रह पाते हैं. A lot of people have serious sleep problems, बहुत सारे लोगों को नींद की समस्याएं हैं, गंभीर नींद की गंभीर समस्याएं हैं. Some people find they cannot sleep, कुछ लोग महसूस करते हैं कि वे सो नहीं सकते, उन्हें लगता है कि वे सो नहीं सकते हैं. सम वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कभी और कुछ आधी रात में ही जग जाते हैं. और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, या सुबह में ही, बहुत सुबह में वे जग जाते हैं. देर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज, इसके बहुत सारे कारण हैं. वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, तो चिंता और निराशा सबसे बड़े कारण हैं, और बड़े सामान्य कारण हैं चिंता और निराशा, वरी एंड डिप्रेशन. ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे वातावरण में, वे हमारी नींद को प्रभावित करती हैं. नॉइज़, शोर, लाइट, प्रकाश, हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंड, और न्यू सराउंडिंग्स या कोई नया वातावरण. पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, बीमारी में यदि दर्द होता है तब भी लोगों को नींद नहीं आती है और लोग जगे रह जाते हैं. मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्प्ररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं वे स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है, अनिद्रा उनके साथ है, तो उन्हें नींद नहीं आती है, बिना वो किसी से मदद भी नहीं लेते हैं और ज़िंदगी को वैसे ही जीते रहते हैं, मतलब वे पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसा ही है, उनके शरीर के साथ ऐसा ही है. मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, तो सोने की कुछ दवाएँ जो होती हैं उसकी आदत कुछ लोगों को, सोने की जो दवा होती है स्लीपिंग पिल्स, मतलब वो कैप्सूल जिसको खाकर, वो कैप्सूल या वो टैबलेट जिसको खाकर नींद आती है. तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको आदत पड़ जाती है कैप्सूल खाकर सोने की, मतलब दवा लेकर सोने की,
नींद लेने की दवा लेकर सोने की उनको आदत पड़ जाती है. बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर. लेकिन सोने की जो दवाएं हैं, नींद लाने की जो दवाएं हैं, उससे समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि वह एक समस्या है शरीर के साथ. द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल इंसोम्निया. तो नींद नहीं आने की जो बीमारी जो यह होती है, इसको इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं, मतलब हिंदी में उसको अनिद्रा. तो अनिद्रा की बीमारी उनको हो जाती है. इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ वी कैन. यदि हमसे संभव हो सकता है तो हम उन्हें नहीं लें, हम उन्हें लेना टालें. इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. यह अधिक बेहतर है कि हम समस्या को देखें कि समस्या क्या है. समस्या की पहले हम पहचान करें और कोशिश करें कि हम समस्याओं से मुक्ति पाएं. तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आगे भी हम आपसे हमारी मुलाकात एक दूसरे से होती रहेगी. और थैंक यू वेरी मच.